आरती डे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। पता है आज यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर बिजली नहीं है, तो हवा तो चल रही है, बहुत अच्छा ही हवा चल रही है, वेदर काफ़ी अच्छा है, मगर बिजली ना होने से तो बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि नहीं। पंखा चलता नहीं है, टंकी पर पानी उगता नहीं है। जैसे सबमर्सिबल ऑन करेंगे, बिजली रहेगा तभी ऑन कर पाएंगे, तभी तो टंकी पर पानी उठेगा, तभी तो हम लोग पानी यूज़ कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, हम तो रात को पौधों में पानी देते हैं, आप लोग तो जानते ही हो, मैंने एक बार शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तो उस टाइम हम टंकी सबमर्सिबल ऑन कर लेते हैं और टंकी भर लेते हैं। तो कल क्या हुआ, टंकी मैंने भरा नहीं। पता नहीं क्या दिमाग में आया, टंकी मैंने भरा नहीं है। ऐसे ही सबमर्सिबल ऑन किया था, थोड़ी देर बाद बंद कर दिया क्योंकि सुबह तो फिर से चलाना है, ऐसे ही सोचकर। मगर कौन जानता है जो आज दिन भर बिजली नहीं रहेगा तो कितना प्रॉब्लम हुआ मुझे। मुझे म्यूनसिपलिटी का जो वाटर कनेक्शन है मेरे घर में वो भी है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे तो। मगर म्यूनसिपलिटी का तो टाइम फिक्स रहता है, सुबह जैसे 9 से 10:30 तक पानी देगा, दोपहर को 1 घंटे के लिए पानी देगा, शाम को 2 घंटे के लिए पानी देगा, ऐसे टाइम फिक्स है। और सबमर्सिबल से क्या, बिजली तो हर वक्त रहती है और जब मन चाहा स्विच ऑन किया और पानी उठा लिया। तो यही सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर फिर भी अभी भाई टंकी पर पानी है, उससे काम चला लिया और यहाँ पर से भी थोड़ा काम कर लिया। जैसे यहाँ पर जो म्यूनसिपलिटी का जो वाटर फैसिलिटी जो होता है, हाँ, म्यूनसिपलिटी का जो वाटर कनेक्शन है वो, उससे भी काम किया और सबमर्सिबल का जो ऊपर टंकी है उससे भी काम किया। आज ना बहुत प्रॉब्लम हुआ पता है। तो आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मगर अच्छा होने से क्या फ़ायदा, बिजली नहीं रहती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। चलिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि मच्छर आ जाएगा। तो रात के सोते टाइम ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी मच्छरदानी में हम नहीं टंगाते हैं। हस्बैंड जब रहते हैं ना तब टंगाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड ना मच्छरदानी टंगा कर सोना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होती है एक भी मच्छर उनको काटे। और मैं ना एक मच्छरदानी टंगा फिर सो दे, एक मोर्टिन जला लिया, ऑल आउट तो जलता ही है, तो दो तो होता ही है सभी के घर में, तो उसी से ही काम चला लेते हैं, मगर हस्बैंड का ऐसा नहीं है। चलिए छत पर चलते हैं। मेरी बेटी क्या दिखा रही है आप लोग देख लो, वहाँ पर नींबू के पेड़ पर नींबू हुआ है ना, यहाँ पर अलग टाइप का वेस्ट बंगाल में ना अलग टाइप का नींबू मिलता है, तो उसको गोंधुरज कहते हैं। उसके अंदर रस भी होता है और उसका जो स्मेल होता है बहुत ही बढ़िया होता है। खाने के टाइम ना उसको अगर मिक्स कर दो राइस के साथ, इतना अच्छा लगता है, आप लोगों को क्या बताए क्या बताए। चलिए देखिए ना, नींबू के पेड़ के पास मेरी बेटी बैठ गई, अभी इससे खेलेगी। और यहाँ पर हुआ है करेला, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, कल उसके पापा आएंगे तो उनको बोलेंगे तोड़ने के लिए, तो तभी आप लोगों के साथ अगर हो सके तभी दिखाएंगे। चलिए छत पर आ गए हैं, क्या करें, घर के अंदर तो आप लोग जानते ही हो बिजली नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से छत पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना तेज़ी से हवा चल रहा है, देखिए हिल रहा है ये। यहाँ पर भी साग होता है और ये साग बनाकर हम खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, सच में बता रहे हैं, बैंगन के साथ बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, कभी आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। वहाँ पर देखिए मेरी बेटी बैठी है, वहाँ पर भी जाएंगे, चलिए वहाँ पर भी जाते हैं। चारों तरफ जहाँ भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, ग्रीन ही ग्रीन है मेरे घर में चारों तरफ, नीचे टेरेस पर जहाँ भी है, तो भरपूर ऑक्सीजन मिलता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को भी शांति मिलता है, आँख में ठंडक पहुँचती है ग्रीन देखने से, और ऑक्सीजन तो आई है क्या बताएं, फुल ऑक्सीजन वो भी फ्री में। अगर आप लोग भी चाहते हो फ्री में भरपूर ऑक्सीजन मिले आप लोग के घर में, तो पौधे लगाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। पता है आज एक वीडियो शूट भी था, तो वो मैं कैसे कर पाऊँ, मोबाइल पर चार्ज भी नहीं है पता है। ये आप लोगों के थोड़ा सा ही चार्ज है, मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, शायद बातें करने के बाद ये चार्ज भी ख़त्म हो जाए,
तो सेंड भी कर पाऊंगी कि नहीं आज वो भी पता नहीं। अभी तक बिजली नहीं आई तो मोबाइल पर तो चार्ज भी नहीं होता है। बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। अभी घर के अंदर जाएंगे और इमरजेंसी लाइट जलाएंगे और क्या, पूरा घर के अंदर ना पूरा अंधेरा हो गया है। दूर अच्छा नहीं लग रहा है आज ना, या कि वेदर थोड़ा क्लाउडी है। सुबह से ही थोड़ा क्लाउडी था तो अभी और भी क्लाउडी हो रही है। देखिए देखिए क्लाउडी है तो आई थिंक है रात के टाइम यहाँ पर शायद बारिश हो सकती है। मानसून पड़ गया से बेटी बेटी बोल रही है गया है मम्मी। चलिए कोई बात नहीं। और आज हम दोपहर को क्या बनाए चलिए वो भी दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं। तो अंडे का छिलका उतार लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे नहीं तो अंडा भी निकल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस पर रख देते हैं, दूसरा अंडा भी ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अंडा छिलना हो गया, अभी चलिए फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अंडा फ्राई कर रहे हैं। आप लोग भी सीख लो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग अंडा फ्राई करते हो तो आप लोग ढककर अंडा फ्राई कीजिए, क्योंकि अंडा ना फ्राई करते टाइम फटता है तो ऑयल आप लोगों के चेहरे पर आ सकता है। और अगर एक बार ऑयल आ गया बस ब्लैक स्पॉट उठाना, अरे बाप रे, एक महीने लग जाएगा ब्लैक स्पॉट नहीं उठेगा। मेरा एक बार हुआ था फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो जब भी मैं फ्राई करती हूँ अंडा तो ढक्कन लगाकर फिर फ्राई करती हूँ। चलिए आज हम बनाएंगे अंडा, और आप लोगों के साथ तो हम डेली का ही शेयर करते हैं, आज भी शेयर करेंगे, मगर इसके जो मसाले मैं अभी तक रेडी नहीं किया तो मसाले को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आते हैं आप लोगों के साथ बातें करने। तो अभी वेट कीजिए, आते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने अंडे को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी इसकी ग्रेवी बनाएंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही यम्मी होता है अंडा फ्राई, बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। चलिए कुक करते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मसाले के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर रहे हैं पोटैटो को। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो फ्रेंड्स एक अंडा उठा के आप लोगों के सामने दिखाते हैं। देखिए ये है अंडा, देखिए कितना टेस्टी है। चलिए बहुत अच्छे से कुक करते हैं इसको। अंडा कढ़ी रेडी हो गई है, राइस के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए आप लोगों को सामने से दिखा रहे हैं, आप लोग देख लो कितना टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है और इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा निकल रहा है। तो फ्रेंड्स खाना तो कंप्लीट हो गया, मगर देखिए अभी तक बिजली नहीं आई है। आप लोग सोचिए गर्मी के मारे हालत कैसा हो गया है। अभी शाम ढलने वाला है, अभी तो छत पर नहीं जा सकते, बहुत सारे मच्छर है, आपको परेशान करके रख देंगे। चलिए दिखाते हैं घर के अंदर की हालत क्या है, पूरा अंधेरा है और क्या दिखाए आप लोगों को। चलिए ये तो गेस्ट रूम था, यहाँ पर देखिए डाइनिंग का हाल देखिए, पूरा अंधेरा, आप लोगों को कुछ दिखने को मिलेगा ही नहीं। देखिए तो फ्रेंड्स आज हम क्या शेयर करें, जितना हो सके मैंने टोटली शेयर करने की कोशिश की है। चलिए बेडरूम पर भी दिखाते हैं।
देखिए मेरी बेटी का काम देखिए, सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। मोबाइल तो रख, मोबाइल पर भी चार्ज नहीं है फ्रेंड्स, हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। चलिए सामने, हाँ यहाँ पर विंडो के सामने थोड़ा सा लाइट आ रहा है, यहाँ पर से ही बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जब लाइट हल्का हल्का बहुत ही माने थोड़ा अंधेरा टाइप का जैसा होता है ना होगा, तभी हम इमरजेंसी जलाएंगे, मगर वो चार्ज किया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना हो सके मैंने टोटली कोशिश किया है आप लोगों के साथ शेयर करना शेयर किया है। तो अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मुझे बिल्कुल मत भूलिए मेरा ब्लॉग देखा करिए। बाय।